तो बेटा ये हम 6 लेक्चर स्टार्ट करते हैं, 5 तक डाल दिए, 6वां भी डालने को दिया हुआ है, 6वां लेक्चर डल रहा है, वही लेक्चर में रिपीट करता हूँ, वो डाला भी हुआ है, अभी डल जाएगा, 1-1.5 घंटे के बाद डल जाएगा वो। तो बेटा वो 5 लेक्चर्स पहले देख लीजिएगा वहाँ पे। और तुम फैरडेस लॉ पे आते हैं, हम फैरडेस लॉ पे आते हैं। तो फैरडे ने बोला था किसी भी एक लूप में, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, लूप बोल रहा हूँ, लूप का मतलब ज्योमेट्रिकल लूप होता है, लूप का मतलब ज्योमेट्रिकल लूप होता है, उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करें, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करें तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई भी एक लूप लेते हैं, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, डी बाई डी टी करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का तो ईएमएफ आएगा, तो फ्लक्स आने के लिए फील्ड का कोई कॉम्पोनेंट इसके नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बी नॉट इंटू एरिया आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो बेटा डी बाई डी टी जीरो आ जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं करती है तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण क्या थे, अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो कंडक्टर में कन्वेक्शन चार्ज में मोशन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगी। अगर ये लूप रुकी हुई है, ये कंडक्टिंग लूप है, तो इसमें सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं, थर्मल मोशन की वजह से हम करंट नहीं लेते, थर्मल मोशन को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो अगर ये लूप रुकी हुई है तो इसमें सारे चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं पड़ सकती, तो यहाँ पे जो ईएमएफ का कारण आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। यहाँ पे अगर लूप रुकी हुई है तो लूप अगर मूव कर रही है, वायर अगर मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ देगी। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं देयर इज यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। देयर इज ए रिंग ऑफ रेडियस आर इन प्लेन ऑफ बोर्ड, फाइंड लूप ईएमएफ, एंड लूप रेजिस्टेंस, दिस लूप ईएमएफ एंड लूप रेजिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करेंगे बेटा, मैंने आज के लेक्चर के लिए इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, मैं ट्रायल बेसिस पे ले रहा हूँ, क्योंकि साकार के मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ उसमें मैं काफ़ी रेस्ट करता हूँ। तो आज का लेक्चर रिकॉर्डिंग पे भी है, कल का लेक्चर भी रिकॉर्डिंग पे रहेगा उसमें, तो बीच बीच में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं थोड़ा बैठ जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। तो बेटा ये एक कंडक्टिंग रिंग है, इज प्लेस्ड, फाइंड लूप ईएमएफ एंड लूप करंट, बेटा रेजिस्टेंस ऑफ रिंग इज इक्वल टू आर, ये एक रिंग है, इसका रेडियस है ए, लिख देता हूँ, इसका रेडियस है ए। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी, इसमें लूप ईएमएफ निकालना है और लूप करंट निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसके हमें गहराई में जाना है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखनी है। तो फील्ड टाइम वेरिंग है बट यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे टी जीरो पे जीरो है, टी जीरो वन पे हर पॉइंट पे बी नॉट है, अंदर है, 2 सेकंड पे 2B0 है, अंदर है, 3 सेकंड पे 3B0 है, अंदर है। तो इसके अंदर किसी भी टाइम पे फ्लक्स आएगा B0T into πa2। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा बेटा, ईएमएफ का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे d5dt, तो ये कितना हो जाएगा B0 into πa2। अब ईएमएफ किस सेंस में करंट भेजेगा, ये लेंज़ लॉ से निकालेंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है, तो लूप ईएमएफ लूप के अंदर के फ्लक्स को कम करेगा। तो अगर लूप करंट ऐसे होता है
फील्ड ऐसे जनरेट करेगा तो फील्ड बढ़ रही है और फील्ड बढ़ाएगा, तो लूप ईएमएफ कैसे आना चाहिए? लूप ईएमएफ इसेंस में आएगा, लूप ईएमएफ इसेंस में आएगा। तो लूप ईएमएफ कितना आ गया, लूप करंट कितना आएगा, लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस, लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, बी नॉट बाय ए स्क्वायर बाय आर, तो कितना आ जाएगा, बी नॉट बाय ए स्क्वायर बाय आर, इसने इतना आ जाना। अब यहाँ पे कारण है, लूप ईएमएफ होने का मतलब एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब सारे राम कहानी, तो एक थियोरेटिकल डिस्कशन है, काफ़ी ध्यान से सुनना है। तो लूप ईएमएफ किस वजह से है, लूप ईएमएफ एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। तो कंडक्टर्स में तो हमने देख लिया था, कंडक्टर जब भी मूव करता है कन्वेंशनल चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ती है। अब यहाँ पे देखते हैं ये लूप ईएमएफ का कारण क्या है, ये लूप ईएमएफ का कारण क्या है। सब लोग परेशान हुए थे ये लूप ईएमएफ का कारण क्या है, तो यहाँ से कोई नई चीज़ निकल के आएगी। तो लूप ईएमएफ का कारण क्या है, तो पहली बात है जो कन्वेंशनल चार्ज प्लस ई है उस पर फोर्स पड़ेगी। चार्ज पे कौन कौन सी फोर्स पड़ सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू इंटू ई, एक मैग्नेटिक पड़ सकती है क्यू ई क्रॉस बी। चार्ज के साथ मास भी होता है, मास पे कौन सी फोर्स पड़ सकती है, ग्रेविटेशन पड़ सकती है, मास पे ग्रेविटेशन पड़ सकती है। अगर रिंग हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ पड़ेगी, वो ईएमएफ कॉज नहीं करेगी। तो मास की वजह से फोर्स पड़ सकती है, सीरो फोर्स पड़ सकती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ सकती है, कॉर्नेस पड़ सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस नहीं हो सकती, कौन कौन सी फोर्सेस नहीं हो सकती। तो इस बात को देखते हैं बेटा, यहाँ पे स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो एक रिंग को रखा, एक हमने रिंग को रखा, यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी को रखा, इसको रख दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो देखते हैं इस कन्वेंशनल चार्ज पे, बेटा यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगी नहीं। अब ये कॉपर रिंग अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो चार्जेस अगर मूव कर रहे होंगे तो थर्मल मोशन की वजह से मूव कर रहे होंगे। तो अगर थर्मल मोशन की वजह से हम करंट नहीं लेते, थर्मल मोशन को निगलेक्ट कर देते हैं, तो शुरू में सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं, इसको हटा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, शुरू में सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स पड़नी चाहिए बट नहीं पड़ेगी क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं हो सकती, मैग्नेटिक भी नहीं हो सकती। अभी मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे की तरफ पड़ेगी, इसका कोई भी कंपोनेंट बाहर के रॉन्ग नहीं आएगा, ये करंट को फ्लो नहीं करेगा, करंट तो फ्लो करता दिखा था फैराडे को, करंट तो फ्लो करता दिखा था, तो ईएमएफ थी, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि रिंग रेस्ट पे है, तो सीरो और सेंट्रीफ्यूगल भी नहीं हो सकते। तो ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ना ग्रेविटेशनल है, ना मैग्नेटिक है। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए जो कि करंट फ्लो कराएगी, चाहे किसी भी जगह पे कोई भी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होनी चाहिए जो इस डायरेक्शन में होगी। तो इट वॉज सर्टन कि एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसका कॉम्पोनेंट लूप के अलोंग है, तभी करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। तो उसके लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हेडिंग में लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, शुरू में समझ में नहीं आएगी बट जैसे भी एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे वो चीज़ समझ में आना शुरू होगी। तो इसका मतलब था मैग्नेटिक फोर्स हो नहीं सकती, मास पे फोर्स हो नहीं सकती। तो हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेज है, हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेज है, न्यूक्लियर वीक, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है और न्यूक्लियन के अंदर होती है, तो ये तो हो नहीं सकती, तो या तो ग्रेविटेशन फोर्स होती या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशन हो नहीं सकती क्योंकि रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशन फोर्स करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक तो कर नहीं सकती, तो कौन सा पार्ट बचेगा, इलेक्ट्रिक, तो कौन सा पार्ट बचेगा, इलेक्ट्रिक। तो ये डिसाइड कर लिया गया कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है तो जो ईएमएफ जनरेट होती है जो भी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, वो फोर्स इलेक्ट्रिक होती है। अभी सम की कन्फ्यूजन होगी कि मैं इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम। तो बेटा मैं यहाँ पे कुछ सिमेट्री को यूज़ करूँगा, मैं कुछ सिमेट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ, ये पहले, अभी इसका कोई भी लिंक नज़र नहीं आएगा। मैं एक सर्कुलर रीजन लेता हूँ, इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ, बी, और ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, बी नॉट टी। एक स्केल रीजन लेता हूँ, तो बेटा कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, ये सब फैराडे ने किए थे, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ।
तो फैराडे के पास फिजिक्स की बुक्स नहीं थी, उसके पास सिर्फ कॉमन सेंस थी। तो एक स्केयर रीजन है, एक स्केयर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म है और टाइम के साथ पेरी कर रही है, बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी। तो बेटा ये मेरे पास पेज है, आसपास कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट इस पूरे पेज को घुमाऊं, बाउंड्रीज में देखूं, तो मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल का ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर केस में सेंटर के अबाउट सिमेट्री है। तो पेज को घुमाऊं या मैं खुद सेंटर पे रख के मैं घूमूं, तो मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सामने जो दिखाई देता है बिल्कुल वैसे दिखाई देगा। बट स्केल रीजन में अगर सेंटर के अबाउट इसको घुमाओ तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो मुझे डायग्राम में चेंज नजर आएगा। तो मैं घूमूंगा, अगर मैं यहाँ पे होते हुए मुझे पास में दिखाई देगा, मैं थोड़ा घूम गया, ये एच दूर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं सेंटर के अबाउट सिमेट्री है, इसको पॉइंट सिमेट्री बोलते हैं। इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, इसमें सिमेट्री नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो मुझे आर डिस्टेंस पे दिखाई देता है, यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे वही दिखाई देगा। क्यों बेटा? यहाँ पे पॉइंट पी है। अगर मैं डायग्राम को घुमा दूँ 90 डिग्री से, ये पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, इसका मतलब बेटा मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आना, मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आना। अभी ये बात थोड़ी थोड़ी वेग लगेंगी। तो एक बात तो क्लियर है, सर्किल को अगर मैं सेंटर के बोर्ड घुमाऊँ तो मुझे कोई चीज़ डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बट स्केयर या किसी और शेप को सेंटर के बोर्ड घुमा दूँ तो मुझे स्पेशल वेरिएशन दिखाई देगी, स्पेस में वो टर्न हुआ दिखाई देगा। सर्किल को सेंटर के बोर्ड घुमाऊंगा, कोई टर्न नहीं दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, कंसिडर ए सर्कुलर रीजन। तो मैं सर्कल ही क्यों चूज कर रहा हूँ, इसको मैं धीरे धीरे, आज पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो 2-3 लेक्चर्स में समझ में आएंगी। कंसिडर ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए इन विच देयर इज यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी। तो यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन लेता हूँ, मैं एक सर्कुलर रीजन लेता हूँ जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी, इसका रेडियस है ए। अब मैं काम करता हूँ, इसमें एम में मैग्नेटिक फील्ड है। तो फैराडे ने बोला था किसी भी लूप में EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, पर उसने लूप के मटेरियल के बारे में नहीं बोला। अब ऐसा क्यों है बेटा? लूप का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, लूप करंट कितना होगा, लूप EMF लूप रेजिस्टेंस, लूप का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लूप करंट कम होगा। तो अगर कॉपर की रिंग होगी मेटेलिक है, रेजिस्टेंस कम होता है। अगर कार्बोनेटेड आयरन है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा करंट। तो उसका कहने का मतलब था EMF से उतनी जनरेट होगी, लूप के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे प्लास्टिक की लूप ले लो, चाहे आयरन की लूप ले लो, चाहे कॉपर की लूप ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। तो अब मैं काम करता हूँ, इसको सेंटर पे रख के एक कॉपर रिंग डाल देता हूँ, इसको सेंटर पे रख के एक कॉपर रिंग डाल देता हूँ जिसका रेडियस है आर। ये एक डाल देता हूँ कॉपर रिंग, ये सर्कुलर रीजन और ये रिंग कंसेंट्रिक है। एक कॉपर रिंग ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड एज शून। तो फैराडे लॉ के अनुसार इसमें फ्लक्स चेंज करेगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज करेगा, इसमें करंट भी आएगा। करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, लूप EMF किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो यहाँ पे लूप EMF इन कॉपर रिंग कितनी आ जाएगी, EMF आ जाएगी, हमने कैलकुलेट कर रखा है, बी नॉट इंटू पाई आर स्केयर डिवाइडेड ऑफ पाई आर स्केयर। और इसमें जो करंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, इसमें जो करंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। अब हमें इस बात पे ध्यान देना है, ये लूप EMF किस वजह से है, ये लूप EMF किस वजह से है। यहाँ पे एक सिमेट्री है, उस सिमेट्री का हम यूज करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अगर लूप EMF है तो यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज लेता हूँ, इस पर कोई ना कोई फोर्स तो का कॉम्पोनेंट पाथ के अलावा आएगा, तभी करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एफ है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एफ है। तो करंट फ्लो करने के लिए पूरी लूप में चाहे किसी भी छोटे रीजन में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना जरूरी है, और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपोनेंट वायर के अलॉन्ग होना है, वायर के परपेंडिकुलर हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वायर के अलॉन्ग होना है, तो ये करंट को ऐसे ड्राइव करेगी। तो मैं मान लेता हूँ आर डिस्टेंस पे यहाँ पे ये फोर्स एफ है,
थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, मुझे ऊपर मिटा के आगे डिस्कशन करनी है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर ये सर्कुलर रीजन है, ये सर्कुलर रीजन है, हाँ बात तो नहीं है ना, ये सर्कुलर रीजन है, इसके अंदर कॉपर रिंग ड्रॉ कर दिए, ये रेडियस है आर। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज पे ये फोर्स एफ है, यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज पे ये फोर्स एफ है, यहाँ से 90 डिग्री पे एक चार्ज यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ से 90 डिग्री पे एक चार्ज यहाँ पे लेता हूँ। अब इन पे फोर्स कैसे पड़ेगी, यहाँ पे होगी या नहीं होगी? तो मैंने एक किसी भी एक पॉइंट पे मान लिया कि एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे होनी चाहिए। अब मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, ये सर्कल को चार पार्ट में काटता हूँ, चार पार्ट में काटता हूँ, ये पी क्यू आर एस चार पॉइंट्स है, तो मैं मानता हूँ एक ही जगह पे फोर्स है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अगर फोर्स एफ है, यहाँ पे अगर फोर्स एफ है, तो मैं इस सेंटर के अबाउट पूरे डायग्राम को रोटेट करता हूँ 90 डिग्री से, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे घुमा के चला जाए तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे फोर्स एफ है तो अभी फोर्स एफ है, मुझे कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज पे भी फोर्स एफ होनी चाहिए सिमेट्री से। इसको अगर 180 से घुमा दिया जाए इस पॉइंट के अबाउट, तो भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा पूरे डायग्राम को, तो ये पॉइंट रिंग का यहाँ पे आ जाएगा, तब भी मुझे लगेगा फोर्स ऐसे, क्योंकि मुझे कोई चेंज नजर नहीं है। उसका मतलब क्या है, इस पर भी फोर्स है, इसका मतलब क्या है, इस पर भी फोर्स है। तो यहाँ पे सिमेट्री की वजह से अगर यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ है, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, तो आप घुमा के थर्ड ने भी ऐसा ही किया था, तो हर पॉइंट पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी और उतनी आएगी और उतनी आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इसको आप 10 डिग्री से घुमाओ ये पॉइंट आ जाएगा, 90 डिग्री से घुमाओ ये पॉइंट आ जाएगा, किसी भी से घुमाओ ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पूरे डायग्राम को रिंग को साथ में घुमाना है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी फोर्स है वो एक्चुअली में यहाँ पे थी। तो इसका मतलब, तो ये आप लिख सकते हैं, देयर हैज टू बी, तो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, देयर हैज टू बी ए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एट एटलीस्ट 1 point P ऑन। तो कम से कम एक पॉइंट पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पे है तो लॉजिक से देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ सर्कुलर सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सर्कुलर, बिकॉज ऑफ सर्कुलर सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सर्कुलर सिमेट्री देयर हैज टू बी फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ एट ईच पॉइंट ऑन रिंग एज शोन, एट ईच पॉइंट ऑन रिंग एज शोन। तो बेटा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ सर्कुलर सिमेट्री के लिए वैलिड है, और इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। अगर स्केयर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें डिफरेंस नजर आएगा, तो हम ये लॉजिकली डिड्यूस नहीं कर सकते। ये लॉजिकल डिडक्शन मैं सिर्फ सर्कुलर सिमेट्री के लिए ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सर्कल था जिसका रेडियस ए था, ये सर्कल था जिसका रेडियस ए था, यहाँ पे कॉपर रिंग है कितने डिस्टेंस पे, आर पे। तो इस पॉइंट पी पे अगर फोर्स एफ है तो यहाँ पे भी फोर्स कितनी आएगी, एफ। यहाँ पे भी कन्वेंशनल चार्ज पे फोर्स कितनी आएगी, एफ। यहाँ पे भी कन्वेंशनल चार्ज पे फोर्स कितनी आएगी, एफ। यहाँ पे भी कन्वेंशनल चार्ज पे फोर्स कितनी आएगी, एफ। तो सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पे कन्वेंशनल चार्ज फोर्स आएगी, एफ। तो इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, तो ये फोर्स मास पे नहीं हो सकती, ये फोर्स चार्ज पे होगी। अब चार्ज पे दो ही फोर्स पड़ सकती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो देखना ये चार्ज मूव कर रहा है और फोर्स भी वेलोसिटी के लॉन्ग है, तो फोर्स वेलोसिटी के लॉन्ग होगी तो मैग्नेटिक नहीं होगी। यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रिक ही होना पड़ेगा, तो इसको इलेक्ट्रिक ही होना पड़ेगा, बिकॉज दिस फोर्स इज अलोंग, दिस फोर्स एफ इज अलोंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट कैनॉट बी, इट कैनॉट बी मैग्नेटिक, हेंस इट हैज टू बी
ओनली इलेक्ट्रिक इन नेचर, तो हमने लॉजिकली डिड्यूस कर लिया है ये फोर्स मैग्नेटिक नहीं हो सकती क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पड़ती है, ये फोर्स वेलोसिटी के अलोंग है तो मैग्नेटिक नहीं हो सकती, मास पे भी नहीं हो सकती, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक का कुछ पार्ट बचा था अभी, तभी तक इलेक्ट्रिक का कुछ पार्ट बचा था। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कितनी होगी ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी होगी कैंसिल चार्ज पे चार्ज कितना होता है ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इंप्लाइज एट ईच पॉइंट ऑन द रिंग दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट टू द रिंग, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट टू द रिंग। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, ये फोर्स इलेक्ट्रिक होगी और कुछ हो नहीं सकता लॉजिकल डिडक्शन से, और इलेक्ट्रिक होगी ए इंटू ए, और इस पूरे पाथ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग होगी टेंजेंट। तो ध्यान रखिएगा इस रिंग को एक क्लोज पाथ लेता हूँ, इस रिंग को एक क्लोज पाथ लेता हूँ, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन आएगी, तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन आएगी। अब इस बात को ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ये रिंग को एक पाथ ले लेता हूँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक की टेंशन, तो एक पाथ लेता हूँ उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन आएगी, तो ये पूरा पाथ क्या होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये पूरा पाथ क्या होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं एट ईच पॉइंट ऑन पाथ ऑफ रिंग, ऑन पाथ ऑफ रिंग, ऑन पाथ ऑफ रिंग, ऑन पाथ ऑफ रिंग, एट ईच पॉइंट ऑन पाथ ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू पाथ। तो बेटा लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन के हर पॉइंट पे टेंजेंट अगर फील्ड की डायरेक्शन देता है तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। अब वो ग्रेविटेशन फील्ड है तो ग्रेविटेशन लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इस पूरे क्लोज पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस पूरे क्लोज पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन दे रहा है, तो पूरा क्लोज पाथ क्या होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हैरानी वाली बात है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाई गई जिसकी लाइन से फोर्सेस क्लोज लूप्स है, जिसकी लाइन से फोर्सेस क्लोज लूप्स है, यहाँ पे फोर्स ऐसे यहाँ पे फोर्स ऐसे, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन आएगी। तो दिस इंप्लाइड there is an electric field whose lines of forces are circular। अब magnetic field में भी जब lines बहुत circular आएगी तो मैंने closed loop बोला था, सारे circle closed loop होंगे but सारे closed loop circle नहीं होंगे, सबसे general term क्या है closed loops। This implied there is an electric field whose lines of forces are closed loops। तो सबसे important बात यह है, तो बेटा ये Faraday की सबसे बड़ी contribution है। तो उसने बोला जब भी यहाँ पे magnetic field change कर रही है तो EMF induce होगी, जब भी magnetic field change कर रही है EMF induce होगी, ये EMF किसकी वजह से होगी, एक electric force जिसकी lines of forces closed loops है। तो यहाँ पे इसको करके समाप्त करके electrostatics में चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, क्लोज लूप्स नहीं होती है। यहाँ पे हम एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं जिसकी लाइन्स फोर्स क्लोज लूप है, अगर लाइन्स फोर्स क्लोज लूप है तो ये फील्ड होगी नॉन इलेक्ट्रो, ये फील्ड होगी नॉन कंजर्वेटिव, ये फील्ड होगी नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे भी लिखते हैं इफ लाइन्स फोर्स आर क्लोज्ड द फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, इफ लाइन्स ऑफ forces are closed, if lines of forces are closed then field is non conservative। बेटा वो थोड़ा लिखने में जल्दी कर रहा हूँ, वो लेक्चर अपलोड हो रहा है तो आप उससे भी देख सकते हो, तो नोट्स अगर नहीं बनते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने सिस्टम में मैं घर में आ गया हूँ 4-5 दिन से, तो बेटा अब वो कैमरा सिस्टम डिफरेंट है तो इसमें रिकॉर्डिंग भी साथ में हो जाती है, और वो प्रोफेशनल कैमरास में रिकॉर्डिंग और टेलीकास्ट दोनों साथ में हो जाता है, ब्रॉडकास्ट नहीं, तो आप जैसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो या रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसमें शायद क्वालिटी में भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं तो सारी कहानी को हम एक बार
फिर से डिस्कस करके एक लाइन में लिख देते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पर क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। इसी छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आईडी में 3 बार आ चुके हैं। तो एक सर्कुलर रीजन लेते हैं, मैं पूरे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी। सिर्फ किस रीजन में? अंदर के रीजन में। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अंदर के रीजन में है। तो सेंटर को लेके एक कॉपर रिंग ड्रॉ करते हैं, तो इसमें करंट आएगा ऐसे, अब ये करंट कौन सी फोर्स की वजह से होगा? बेटा मैग्नेट की वजह से हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर सकती है, वो करंट स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो अगर ये फोर्स भी है तो बेटा करंट के अलॉन्ग होनी चाहिए, ये फोर्स करंट के अलॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये रिंग रुकी हुई है। तो मैग्नेटिक फोर्स करंट के अलॉन्ग नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिट कन्वेंशन चार्ज पे ई है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ई है, तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए, यहाँ पे भी ई होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडक्टिंग रिंग को एक पाथ ले लूँ, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन मिलनी चाहिए, जो मिल रही है। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन दे रहा है, तो ये सर्कुलर लूप एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो सर्कुलर लूप एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इसका मतलब ये निकला कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करती है, एक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करते हैं। दिस इंप्लाइज, तो यहाँ पे नोट करते हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम, इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, हुज लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड लूप्स। दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एंड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फील्ड इस, तो बेटा दो नोट्स इंपॉर्टेंट बनाएंगे। दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, एंड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसको जरा नोट कर लेते हैं। तो इसका मतलब फैराडे ने प्रूव किया, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है, तो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, एक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। ये चार्ज की वजह से नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से है। दिस फील्ड इज चार्जलेस। इसकी क्लोज लूप्स है। क्लोज लूप्स कब होती है? जब लाइन ना तो ओरिजिनेट करे, लाइन ना तो टर्मिनेट करे। मैग्नेटिक फील्ड में इसकी डिस्कशन की थी। इलेक्ट्रिक लाइन्स वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, इन्फिनिटी से ओरिजिन टू टर्मिनेट कर सकती है। तो ये चार्ज वाली फील्ड्स हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, हमने बोला नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल होता ही नहीं है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप्स है, ना तो कहीं से ओरिजिनेट करती है, तो चार्ज की नहीं होती। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी चार्ज की वजह से नहीं है, क्योंकि ओरिजिनेट नहीं कर रही है। तो इसको नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोला जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज वाली फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ रखा है, वो कूलम लॉ से मिलता है। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। तो इसमें अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो बेटा इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हुज लाइन्स वाज अ क्लोज लूप्स, दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एंड कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये मैग्नेटिक जब टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? तो मैं सेकंड नीचे यहीं पे अभी लिखता हूँ। तो बेटा यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में टाइम के साथ वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो एक लूप ऐसे बनाता हूँ, इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट ऐसे आएगा, यहाँ पे करंट। तो अगर ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुई है, सिमिट्री से हर जगह होगी। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक के अलोंग है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट के अलोंग होगी, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेलोसिटी के अलोंग
अगर मैग्नेटिक फोर्स होगी वेलोसिटी के अलोंग नहीं हो सकती, तो मैग्नेटिक को तो रूल आउट करो, तो ये इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बोर्ड की प्लेन में? तो यहाँ पे एक बात नोट करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्यों? एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड की प्लेन में होती, तो इसमें फ्लक्स कितना आता? जीरो। फ्लक्स हमेशा जीरो रहता, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप की प्लेन में है तो कोई ईएमएफ नहीं आएगी, यानी कि इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ईएमएफ कब मैक्सिम आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड की प्लेन में आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड की प्लेन में है तो बोर्ड की प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है? जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी? मैग्नेटिक फील्ड के। तो सेकंड पॉइंट नोट करते हैं, इफ देयर इज यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, बेटा चार्ज इंड्यूस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी किसी चार्ज की वजह से, जैसे मीडियम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। अब फैराडे लॉ पे ध्यान दीजिएगा, लूप ईएमएफ क्या होगा? किसी भी लूप में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ आएगा। तो फैराडे ने लूप के मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला, वो एक लकड़ी की रिंग हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक रिंग में प्लास्टिक की रखूँ या लकड़ी की रखूँ या आयरन की रखूँ या कॉपर की रखूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें ईएमएफ सेम आना चाहिए, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि चार्जेस पे डिपेंड नहीं करती तो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है। तो लूप का कोई भी मटेरियल हो ईएमएफ उतनी आएगी। उसका दूसरा मतलब क्या है? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी आएगी। तो थर्ड पॉइंट डिपेंड करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बेटा तीन पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, वेदांत बेटा एक बार माइक ऑन करना, प्लीज। बेटा वॉइस क्लियर है क्या? हाँ कौस्तुब, बेटा मैं एक मिनट वॉइस चेंज करके देखता हूँ। बेटा वॉइस ठीक आ रही है अभी? हाँ सर आप ठीक। अच्छा मैंने माइक चेंज कर दिया, सॉरी वो माइक दूसरा था। बेटा पिक्चर तो ठीक है ना? हाँ सर पिक्चर ठीक है। मैं वो प्लीज बीच में बोल देना, क्योंकि वो मैं थोड़ा दूर है ना, मैं देख नहीं पा रहा, अभी देखने गया था वो। तो बेटा वॉइस ऑन करके प्लीज बोल देना बीच में। यस है ना। बेटा मैं इस एक दो क्वेश्चंस लेने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, तो बेटा 5-10 मिनट का, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस कर देता हूँ पहले। काम किया था तो फैराडे की हिस्ट्री मैंने बार बार इसलिए बताई थी कि फैराडे ने बहुत सारी चीजें लॉजिकल डिडक्शन से, एक्सपेरिमेंट से थ्योरी निकाली थी। तो फिजिक्स का उदय एक्चुअली में कहाँ हुआ है? फैराडे के लोगों की वजह से हुआ है, जिसे कुछ नहीं पता था उसने लॉजिकली जो पता था उसको सोच सोच के बनाया।
तो उससे पहले नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली ये देखा गया था कि ईएमएफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आएगी। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह की हो सकती है, एक तो क्यूबिक क्रॉस भी मैग्नेटिक, और एक दूसरी देखी गई तो इलेक्ट्रिक की पिक्चर भी बाकी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से भी इलेक्ट्रिक फ्रीज हुई। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बीच में काट के ऑफ द कप डिस्कस कर रहा हूँ। हमने एमपी सर्कुलर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, हल्का सा डिस्कस किया था क्योंकि मैंने बोला था बाद में करेंगे, वो फैराडे लॉ के बाद ही कर सकते हैं। तो उसमें हमने सुना था कि इलेक्ट्रिक चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फैराडे ने प्रूव किया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पास एक चैप्टर हो रहा है तो उसके बारे में हल्की सी डिस्कशन करता हूँ क्योंकि वो चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर आती है। यहाँ पे कुछ लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर आती है। वो कैसे होता है? इलेक्ट्रिक टाइम के साथ वैरी कर रही होती है वो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रही होती है वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में जा रही होती है कोई चार्ज नहीं होता, कोई करंट नहीं होता है, वो सोर्स के पास होता है। तो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती कैसे? इलेक्ट्रिक टाइम के साथ वैरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जिसने भी सुन रखा होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उसका कारण यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी टाइम के साथ वैरी करेगी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी पहली बात, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लोज लूप्स आएंगी। क्लोज लूप का मतलब उसका चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज होता पॉजिटिव से लाइन्स निकलती नेगेटिव पे टर्मिनेट करती। तो अभी हम एक काम करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बुक्स में लिखा होता है, जो मैक्सिमम बुक्स में लिख रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जब भी टाइम के साथ वेरी करती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक लाइन से वो सर्कुलर आती है। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। 11th 12th की बुक्स में जो भी लिखा होता है मैग्नेटिक फील्ड जब भी टाइम के साथ वेरी करती है एक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिक की लाइन से सर्कल आती है, क्योंकि मैंने सर्कल प्रूव करके दिखाया। बेटा सर्कल नहीं होती, क्लोज लूप्स होती है, किसी स्पेशल केस में सर्कल हो सकती है, जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनफाइनाइट वायर की वजह से सर्कल है, हर करंट की वजह से सर्कल नहीं है, क्लोज लूप्स है। तो अगर वायर की मैग्नेटिक फील्ड बता के बोलूं मैग्नेटिक लाइन फोर्स हमेशा सर्कुलर होती है, स्टेटमेंट गलत है, मैग्नेटिक लाइन फोर्स क्लोज लूप्स होती है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्लोज लूप्स होंगी। अब मैं क्वेश्चन को एक बार बाद में करूंगा, सर्कुलर सिमेट्री की बात मुझे बार बार करनी है। देखो अगर एक सर्कुलर रीजन है, बेटा इसको मैं ये हेडिंग नोट किए, ये मैं आगे क्या लिखना है, तो एक सर्कुलर रीजन है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो इस सर्कल को मैं सेंटर में कितना भी घुमाऊं मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मैं वापस उसी बात पे आता हूँ, ये स्केयर है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसको घुमाऊं मुझे सर्कल ये रेक्टेंगल घुमा नजर आएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे कॉपर रिंग रखता हूँ, यहाँ पे कॉपर रिंग रखता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू बी नॉट टी। तो इस कॉपर रिंग में एक इंड्यूस करंट आएगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने के लिए एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना जरूरी है। तो अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में एफ है, क्योंकि यहाँ से आठ डिस्टेंस पे इसके ऊपर सर्कुलर सिमेट्री है, अब एक डिग्री से घुमाओ ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 90 से घुमाओ ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब सर्कुलर सिमेट्री आठ डिस्टेंस हट जाएगा, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही होगी। ये हम घुमा के फैराडे ने ये कंट्रीब्यूशन की थी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं देख सकते, यहाँ पे अगर सर्कुलर रिंग करूँ यहाँ पे इस पे फोर्स एफ है, तो यहाँ पे नहीं बोल सकता इसको घुमाऊंगा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मुझे कुछ अलग ही दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप इसको जज करके देखना, कुछ अलग ही दिखाई देगा, तो मैं जज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सिमेट्री की वजह से, तो इसीलिए मैं सर्कुलर रीजन ले रहा हूँ, बाकी रीजन में काम नहीं कर सकता। तो मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ वो सिर्फ कौन से रीजन के लिए निकाल रहा हूँ, सर्कुलर रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड, और किसी के लिए नहीं निकाल रहा, बाकी किसी के लिए हम अपने सिलेबस में नहीं निकाल सकते। तो जिस पर्टिकुलर केस के लिए निकाल रहा हूँ ये सारी थ्योरी उसी के लिए वैलिड है, तो इस बात को ध्यान देना है। डिटोनेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक ड्यू टू विद टाइम, कंसीडर ए सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे लिखते हैं, मैं सर्कुलर रीजन ही लूंगा, सर्कुलर रीजन को कुछ भी छोड़ेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसके लिए मैक्सवेल लॉस लगेंगे, वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर निकाल सकते हैं, एक सर्कुलर रीजन के अंदर, बस हमारे सिलेबस में।
कंसिडर ए सर्कुलर रीजन, कंसिडर ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए हैविंग यूनिफॉर्म, हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। B इज इक्वल टू बी नॉट टी। बेटे बच्चों को बार बार डाउट पड़ जाता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट की बात क्यों कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म का हर जगह सेम, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ बदल रही है। रेडियस ए हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पे ये बना देता हूँ, ये एक सर्कुलर रीजन है, ये एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस है A, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। B इज इक्वल टू बी नॉट टी, ये कोई भी पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस R। फाइंड induced electric field at P. First case R is less than A, second case R is greater than A. तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कर रहा हूँ। अब ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है कहाँ पे, सोलेनोइड के अंदर, याद कीजिएगा बेटा। ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर ये जैसी सोलेनोइड रहती है, सोलेनोइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो ये सर्कुलर पास है, तो ऐसी फील्ड होती है कहाँ पे, या तो रिंग सर्कल बोल देंगे, या बोल देंगे सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। अगर आई टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेंगे तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकली कहाँ पाया जाता है, एक आइडियल सोलेनोइड में। तो सोलेनोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सोलेनोइड पे हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, सोलेनोइड पे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इस पे। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालनी है और बाहर निकालनी है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ, पहले अंदर के लिए, पहले अंदर के लिए। ये जो सी मैंने सर्कल खींच रखा है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो सेंटर को लेके एक कॉपर रिंग डाल देता हूँ, एक कॉपर रिंग डाल देता हूँ जो यहाँ से रेडियस आ रहा है। ये कॉपर रिंग को भी कंसेंट्रिक डालता हूँ ताकि मेरी सर्कुलर सिमेट्री बरकरार रहे। तो मैं बार बार सर्कुलर सिमेट्री पे फोर्स कर रहा हूँ ताकि मेरी सर्कुलर सिमेट्री बरकरार रहे। तो इस सेंटर के बॉर्डर को मुझे कुछ भी डिफरेंस नजर ना आए, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे इक्विवेलेंट है, तो सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो करंट अंदर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो करंट ऐसे आएगा। तो यहाँ पे यूनिट कंडक्शन चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इतनी है, तो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ पे ई है तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं लूप ई में, मुझे पता है इस लूप में लूप ई में आएगी, तो यहाँ पे तो लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा, प्लेस ए कॉपर रिंग, प्लेस ए कॉपर रिंग of radius r as shown, place a copper ring of radius r as shown. तो यहाँ पे emf in ring, emf in ring, तो बेटा magnitude निकालेंगे, एक तो Faraday's law से निकालेंगे, d by dt of phi, d by dt of phi, तो वो कितना आ जाएगा, d by dt of phi, इसका magnitude निकालते हैं, ये कितना आएगा, d by dt of phi, इसका magnitude निकालते हैं, ये कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, बी नॉट टी, तो बेटे ये आ जाएगा बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ईएमएफ की डेफिनेशन देखी थी, ईएमएफ की डेफिनेशन होती है लूप ईएमएफ की, वर्क डन इन टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन फ्रॉम द लूप, वर्क डन इन टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन फ्रॉम द लूप। तो यहाँ पे मैं रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो हर पॉइंट पे ईएमएफ फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, हर पॉइंट पे ईएमएफ फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पास में करता हूँ, ये लेंथ लेता हूँ डीएल वेक्टर, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे, तो वर्क कितना आएगा, E1 डॉट डी एल वन। तो इस लेंथ को लेता हूँ डी एल वन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लेता हूँ E1, अगले को लेता हूँ E2 DL2, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस E2 डॉट DL2 एंड सो ऑन। तो पूरे लूप में घुमाएंगे, लूप ईएमएफ का मतलब ये भी होता है वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग इन पॉजिटिव चार्ज वन फ्रॉम द लूप। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डीएल के लॉन्ग है, तो E1, E2, E3 सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा और E आएगा, और हर E और DL के बीच में एंगल आएगा जीरो,
क्योंकि डीएल पाथ के अलोंग है, इसको पाथ के अलोंग मूव किया जा रहा है, तो ये कॉस जीरो आएंगे, सारे कॉस जीरो आएंगे, सब इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एल वन स्केलर प्लस डी एल टू स्केलर प्लस डी एल एन प्लस डी एल एन, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा एक बार लिख लीजिएगा, मैं ऊपर फिनिश कर देता हूँ, मैं ऊपर इसको फिनिश कर देता हूँ, चाहे यहीं पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा ई इंटू टू पाई आर, अच्छा नीचे जगह है, ई इंटू टू पाई आर, ई इंटू टू पाई आर, तो बेटा इसी डायग्राम को मिटा देता हूँ, इसी डायग्राम को मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, लूप ईएमएफ बाय लूप लेंथ, तो मैं फॉर्मूले को इस तरह से लिख देता हूँ, ये कितनी आ जाएगी, लूप ईएमएफ, बेटा ये लूप ईएमएफ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लूप लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लूप लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाय टू पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, बी नॉट आर बाय टू, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे सेंटर से दूर अंदर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो, तो जैसे बढ़ते रहेंगे, जैसे बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कैसे करेंगे, बेटा जैसे हम सर्कल आएंगे, जैसे हम बाहर जाते रहेंगे, इनकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी, इनकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी, लाइन ऑफ फोर्स हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे, तो अभी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, इसके बाद बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे एक बात देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी के अंदर है, तो जैसे रेडियस बढ़ेगा कॉपर रिंग का, जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, बेटा ईएमएफ कॉपर रिंग पे डिपेंड नहीं करती, वहाँ पे एयर होती है या कॉपर रिंग होती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपर रिंग मैंने क्लियर किया डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे अगर कॉपर रिंग की जगह प्लास्टिक की रिंग रखते तो ईएमएफ उतना ही आता, प्लास्टिक की रिंग की जगह एयर की रिंग बनाते जो कि एक्चुअली में है, इलेक्ट्रिक तो उतनी आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक निकालनी है इंड्यूस, अब कोई भी मटेरियल डाल दो आपको हेल्प करेगा, बेटा सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं, बेटा अपने सेकेंड पार्ट करके मुझे जस्ट 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो मेडिसिन ले लेता हूँ, तो बेटा अब देखते हैं बाहर, तो अंदर के लिए हम अंदर के लिए, तो बेटा अगर नोट्स नहीं बने, मैंने लेक्चर सुबह रिकॉर्ड कर लिया था, वो एक बार थोड़ा सा एडिट करके मैं भी डाल दूंगा, देखते हैं बाहर, ये सर्कुलर रीजन है, इसका रेडियस है ए, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी, इसका रेडियस है ए, मैं अंदर जब भी रिंग्स बना रहा था बेटा, जैसे रिंग बढ़ाता रहूंगा रिंग का साइज बढ़ता रहेगा कॉपर का, जिसका रेडियस आ रहा था, अंदर फ्लक्स बढ़ता रहेगा, लूप ईएमएफ बढ़ता रहेगा, लूप ईएमएफ बढ़ता रहेगा, तो जैसे बाहर जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बट इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर सर्कुलर रीजन जैसे कि सोलेनोइड, मैंने जानबूझ के बोला क्या होता माइंड में डालने के लिए, अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पी पे ये आर डिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे फिर से सर्कुलर सिमेट्री चाहिए, तो इसको सेंटर लेके एक कॉपर की रिंग फिर से बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ सर्कुलर रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे, बाकी में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इस बात पर ध्यान रखना है, तो इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉपर रिंग के अंदर फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स तो इतने रीजन का है, तो कॉपर रिंग जो इसके बाहर है उसका रेडियस कितना भी बढ़ाओ अंदर फ्लक्स सेम रहेगा, तो ईएमएफ सेम रहेगी, तो अंदर इसके रिंग्स जो बढ़ रही थी ईएमएफ बढ़ रहा था, इसके बाहर ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, इसके बाहर ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, तो सेकंड केस लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम सेकंड केस लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सर्कुलर रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सर्कुलर रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सर्कुलर रीजन, तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम धीरे धीरे करके देखेंगे, तो बेटा ये सर्कुलर रीजन है, इसका रेडियस है ए,
इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू बी नॉट पी। तो मुझे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी, तो मैं एक कॉपर रिंग बनाऊंगा जिसका रेडियस रहेगा आर। तो इसको ले लेते हैं कॉपर रिंग, इसके अंदर ईएमएफ कितना आएगा, इसके अंदर ईएमएफ आएगा डीबीडीटी ऑफ फाई। तो बेटा फ्लक्स तो इतने रीजन में पूरे रिंग में नहीं है क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा डीबीडीटी ऑफ बी नॉट टी इंटू पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा बेटा, फ्लक्स इतने रीजन के अंदर है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है, तो बाई सिमेट्री यहाँ पे ऐसे आएगी क्योंकि इसको घुमाओ, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा घुमाओगे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे सिमेट्री से इलेक्ट्रिक ऐसे है। तो लूप ईएमएफ की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, बेटा ये कितना आएगा इवन डॉट डीएल वन एंड सो ऑन, इवन डॉट डीएल वन प्लस ई टू डॉट डीएल टू प्लस ई टू डॉट डीएल टू एंड सो ऑन। तो बेटा यहाँ पे ई और डीएल के बीच में हमेशा एंगल जीरो है, तो ई का मैग्नीट्यूड आएगा डीएल का मैग्नीट्यूड आएगा, ई का मैग्नीट्यूड आएगा और डीएल का मैग्नीट्यूड आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं बी नॉट इंटू पाई ए स्केयर कितना आ जाएगा। बेटा सब ई के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, ई और डीएल के बीच में हमेशा एंगल जीरो आएगा, तो सारे कॉस जीरो वन आएंगे। ई का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस जीरो, तो क्योंकि सारे कॉस जीरो है तो ये कितना आ जाएगा डीएल वन प्लस डीएल टू एंड सो ऑन। तो ये कितना आ जाएगा ई इंटू टू पाई आर। तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बी नॉट ए स्केयर बाई टू आर। बेटा पाइप कटेगा बी नॉट ए स्केयर बाई टू आर। तो बाहर इलेक्ट्रिक होगी वो आर के साथ डिक्रीज करेगी। तो इसके बाद मैं लाइन्स ऑफ उसकी पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ जो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम इसके बाहर जाएंगे दूर तो इलेक्ट्रिक कम होगी, सेंटर से इसके बाहर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक बढ़ेगी फिर कम होना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पेरिफेरी पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक निकालनी है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, तो इलेक्ट्रिक मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, पेरिफेरी पे। इलेक्ट्रिक मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, पेरिफेरी पे। तो इसको मैं एक बार इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर देता हूँ, तो बेटा यहाँ पे रफली देख लेते हैं, ये सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे बेटे लाइन सपोज के पीछे हमें क्लोज ऐसे करनी पड़ेगी, दूर जाएंगे इतने रीजन में डेंस होगी, बाहर जाएंगे इसके तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन सपोज हम ड्रॉ करके देख सकते हैं बेटा, जस्ट गिव मी 3 to 4 मिनट्स, मैं बस थोड़ा सा स्प्रे लगा लेता हूँ बेटा, जस्ट लिप में पुट लिटिल स्प्रे और एक चाय थोड़ा सा पी लेता हूँ, मैं अभी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, अभी जस्ट बैक जस्ट 5 मिनट। बेटा स्टार्ट करते हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात की थी, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक जीरो होती है, कब होती है जब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एब्सेंट हो। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक होगी, कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं होते, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। अब कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, यूनिफॉर्म होगी तो हम गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं फिर से प्रूव करूंगा क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दोबारा से करने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पिक्चर कंप्लीट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आने के बाद में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो मैं प्रूव करूंगा वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है क्योंकि कोई भी क्लोज सर्फेस ड्रॉ करोगे जितनी लाइन अंदर आएगी उतनी बाहर जाएंगी, तो उसके अंदर फ्लक्स जीरो होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में कोई भी एक वॉल्यूम ले लो, छोटा या बड़ा, कितने भी साइज का ले लो, उसके अंदर फ्लक्स जीरो आएगा, ये हमने देख रखा है, तो उसके अंदर चार्ज इंक्लोज जीरो आएगा। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो कम लाइन्स आएंगी, ज़्यादा जा सकती हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस हो भी सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं होते, वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जब होती हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स की सारी पिक्चर बदल जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ रखा है तो वहाँ पे हमें इफ्स एंड बट्स के साथ पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लूप ईएमएफ, हमने ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ी थी वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले ही पढ़ ली थी, ताकि यहाँ पे हम ईएमएफ
फैराडे लॉ से निकाल सकें और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन से भी निकाल सकें, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अब इस पर ध्यान देना है, जैसे गॉस थ्योरम आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्लोज सर्फेस से फ्लक्स निकालने के लिए, बट मैंने ओपन सर्फेस से भी गॉस थ्योरम बताई थी फ्लक्स कैसे निकालना है, किसी भी ओपन सर्फेस से फ्लक्स निकालना है। अब उसको किसे क्लोज करोगे, जीरो फ्लक्स वाले सर्फेस से क्लोज कर दो तो उस ओपन सर्फेस से फ्लक्स, पूरे क्लोज सर्फेस से फ्लक्स आएगा। बिल्कुल उसी तरह फैराडे लॉ से आप लूप में ईएमएफ निकाल सकते हो, सेक्शन में नहीं निकाल सकते। फैराडे लॉ से आप लूप में ईएमएफ निकाल सकते हो, सेक्शन में नहीं निकाल सकते हो। तो अब देखते हैं सेक्शन में ईएमएफ फैराडे लॉ से कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड। तो अब एक टॉपिक करते हैं हाउ टू फाइंड ईएमएफ इन ए सेक्शन यूजिंग फैराडेज लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, ओपन सर्फेस में हमने फ्लक्स डायरेक्टली इंटीग्रेट करके भी निकाल लिया था और गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, बट गॉस थ्योरम क्लोज सर्फेस के लिए। तो किसी भी सेक्शन में हमने ईएमएफ निकालना देख रखा है, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैसे भी निकाल सकते हैं। ये देख रहे हैं फैराडे लॉ से कैसे निकालेंगे, फैराडे लॉ से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर ए सर्कुलर रीजन having uniform magnetic field B is equal to B naught T। ये uniform है, time varying है, तो non uniform नहीं बोलना है, time के साथ vary कर रही है, position के साथ vary कर रही है, तो non uniform बोलना है। As shown a conducting rod of length L is placed. Find EMF in rod। इसको हम दो मेथड से करेंगे, सेक्शन EMF डायरेक्टली कैसे निकालना है और फैराडे लॉ से कैसे करेंगे। तो एक सर्कुलर रीजन है, एक सर्कुलर रीजन है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी है बी नॉट टी के बराबर। इस सर्कुलर रीजन का रेडियस लेता हूँ आर, यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ है एल, जिसकी लेंथ है एल। इस सर्कुलर रीजन का रेडियस आर है, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ बेटा, यहाँ पे इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो कोई भी एक सेगमेंट है बेटा इस तरह से रखा हुआ है, ये जो इसका परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रॉड है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ड्रॉ कर दिया। ये कंडक्टिंग रॉड है, इसमें ईएमएफ निकालनी है, ये कंडक्टिंग रॉड है, इसमें ईएमएफ निकालनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट फ्रॉम फैराडेस लॉ, फर्स्ट फ्रॉम फैराडेस लॉ। तो सेक्शन में ईएमएफ नहीं निकल सकता, ये कंडक्टिंग रॉड है। तो यहाँ पे इस पूरे सर्कुलर रीजन को ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे ईएमएफ किसकी वजह से आएगी। अब हम देख रहे हैं फैराडे लॉ नहीं लगाना होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देखनी होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टाइम से चेंज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी सर्कल। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, ये एक रॉड लेते हैं बेटे, सेंटर है, ये एक लूप कंप्लीट कर देते हैं, ये एक लूप कंप्लीट कर देते हैं। तो ये रेडियस वेक्टर आएंगे, ये रेडियस वेक्टर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस वेक्टर आएंगे। ये लेंथ है एल, ये है आर, और ये है, ये डिस्टेंस है कुछ भी, और ये है इसके रेडियस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे जनरेट होगी सर्कल्स में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे जनरेट होगी सर्कल्स में। तो एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल लूप का लूप ईएमएफ देखते हैं, ये ट्रायंगल लूप का लूप ईएमएफ देखते हैं बेटा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सर्कल्स हैं और ये रेडियस है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इसके परपेंडिकुलर आएगी, यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इसके परपेंडिकुलर आएगी। मेरे क्वेश्चन को जरा नोट कर लिया, तो मैं थोड़ा ऊपर करके डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सॉल्यूशन वन फ्रॉम फैराडेज लॉ, बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कर लो, मुझे थोड़ा ऊपर का मिटाना पड़ेगा, ऊपर का मिटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लेक्चर में नहीं है, ये क्वेश्चन लेक्चर में नहीं है, क्वेश्चन को जरा नोट कर लीजिएगा।
इसको भी मैं डाल दूंगा, इसको भी मैं नहीं रिकॉर्डिंग पे नहीं बेटा, हाँ रिकॉर्डिंग पे है, इसको भी डाल दूंगा मैं, इस लेक्चर को भी डाल दूंगा। अच्छा ये रिकॉर्डिंग पे दोनों में से जो बेटर आएगा उसको डाल दूंगा। तो बेटा ये सर्कुलर रीजन है, ये है रॉड, ये है रॉड, ये है सेंटर, ये है सेंटर। तो ये डिस्टेंस एल और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मारा हुआ है, ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आएंगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स के पीछे को देखना है, तो ये लेते हैं ओ, ये लेते हैं ए और ये लेते हैं बी। अब देखते हैं लूप ई एम एफ इन ओ ए बी, लूप ई एम एफ इन ओ ए बी। बेटा बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लेके जाते हैं, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पाथ के पटने को लाएंगे, तो इस सेक्शन पे ई एम एफ आएगा जीरो। लूप ई एम एफ इन ओ बी इज इक्वल टू ई एम एफ, ई एम एफ ऑफ ओ ए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना, प्लस यहाँ से यहाँ तक लेके जाना, प्लस ई एम एफ ऑफ ए बी, प्लस ई एम एफ ऑफ, प्लस ई एम एफ ऑफ बी इंटू ओ। तो बेटा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरा लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ तक कवर, इस सेक्शन के एमएफ आएगा यहाँ से यहाँ तक, इस सेक्शन के एमएफ आएगा यहाँ से यहाँ तक, इस सेक्शन के एमएफ आएगा। तो इस पूरे सेक्शन पे लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर है तो वर्क नहीं आएगा। सिमिलरली इस सेक्शन का वर्क नहीं आएगा, तो लूप ईएमएफ कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो प्लस ईएमएफ ऑफ ए बी प्लस जीरो। तो पूरा लूप ईएमएफ कितने के बराबर आ जाएगा, सेक्शन ईएमएफ। तो पूरा लूप ईएमएफ कितने के बराबर आ जाएगा, सेक्शन ईएमएफ। तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं EMF of AB will be equal to d by dt of magnetic flux, बेटा मॉड ले लेंगे, वो माइनस नहीं लगा रहे हम, माइनस नहीं लगा रहे हैं। तो बेटा इस पूरे का एरिया कितना आएगा, हाफ एक्स इंटू एल, तो ये कितना आ जाएगा, बी नॉट टी इंटू एक्स एल बाई टू का डी बाई डी टी का डी बाई डी टी। तो ये ई एम एफ कितनी आ जाएगी, ये ई एम एफ कितनी आ जाएगी, बी नॉट एक्स एल बाई टू। तो मेथड वन से हम देख लेते हैं ये ई एम एफ कितनी आ जाएगी। तो बेटा ई एम एफ ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, बी नॉट एक्स एल बाई टू। तो इसका मतलब हमने क्या डिस्कस किया, किसी भी सेक्शन का ई एम एफ निकालना है, फेडरल लॉ कब लगा सकते हैं, इस पूरे सेक्शन को क्लोज लूप बनाएंगे, बाकी जो पाथ लेंगे वो कैसे लेंगे, उसमें कोई भी ई एम एफ नहीं आए। तो सेक्शन ईएमएफ कैसे निकालेंगे किसी भी सेक्शन का फेडरल लॉ से, तो उस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे कौन से पाथ से, जीरो ईएमएफ के पाथ से। तो उसको किसे कंप्लीट करेंगे, जीरो ईएमएफ के पाथ से। तो ये चीज हमने फ्लूइड्स में स्टार्ट की थी, किसी भी सरफेस पे फोर्स निकालने हैं तो उसको हम कौन से सरफेस से क्लोज करेंगे, इक्विप्रेशर सरफेस से क्लोज करेंगे। आप याद कीजिएगा इस सेक्शन में ईएमएफ निकालनी है तो कौन से पाथ से क्लोज करेंगे, जीरो ईएमएफ के पाथ से क्लोज करेंगे। किसी भी ओपन सेक्शन में फ्लक्स निकालना है गॉस थ्योरम से तो कौन से सरफेस से क्लोज करेंगे, जीरो फ्लक्स सरफेस से क्लोज करेंगे, तो आ जाएगा। अब इसको बेसिक मेथड से भी देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क को इंटीग्रेट करके भी देखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क को इंटीग्रेट करके भी देखते हैं, वो सेकेंड मेथड देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं मेथड टू, यहाँ पे देखते हैं मेथड टू। मेथड टू डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड निकालते हैं। तो बेटा ये हो गया पूरा सर्कुलर रीजन, ये हो गया पूरा सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पे एक आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट टी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं निकालता हूँ, फॉर्मूला याद करने के लिए बता देता हूँ, लूप ई एम एफ बाई लूप रेजिस्टेंस, लूप ई एम एफ बाई सॉरी लूप ई एम एफ बाई लूप लेंथ। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, लूप ईएमएफ कितनी आ रही है, बी नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर बाय लूप लेंथ टू पाई आर। तो ये कितना आएगा, बी नॉट आर बाय टू, ये कितना आएगा, बी नॉट आर बाय टू। तो अब इसको हम डायरेक्टली देखते हैं, इसको हम डायरेक्टली देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक रॉड में ईएमएफ निकालनी है, रॉड में हमें ईएमएफ निकालनी है। तो रॉड में जब हमें ईएमएफ निकालनी है तो ये है हमारी रॉड, ये है हमारी रॉड, सेंटर से यहाँ पे किया, ये है डिस्टेंस x। तो मैं एक काम करता हूँ, इस रॉड पे कोई भी पॉइंट P लेता हूँ,
यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक कैसे आएगी बेटा? ये डिस्टेंस लेता हूँ वाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड आएगा, इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड आएगा बी नॉट वाई बाई टू, बी नॉट वाई बाई टू। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और यहाँ पे आएगी ऐसे। तो अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखते हैं यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा और इलेक्ट्रिक इस ए बी के अलोंग नहीं आएगी, ए बी के अलोंग सिर्फ सेंटर पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे इस हाफ में ऐसे आएगी, तो यहाँ पे ऐसे आएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जो ई एफ निकालनी है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉम्पोनेंट की वजह से निकालनी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉम्पोनेंट की वजह से निकालनी है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो यहाँ पे इलेवन कॉम्पोनेंट लेता हूँ, इलेक्ट्रिक के मैग्नीट्यूड का कॉम्पोनेंट लेता हूँ, तो फाइंड वर्क डन, तो फाइंड वर्क डन, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा बेटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू डी, उसके लॉन्ग डी मूव करूंगा, उसके लॉन्ग डी मूव करूंगा। अब देखता हूँ ई कॉस थीटा कितना आएगा, ई कॉस थीटा कितना आएगा, ये आएगा ई, ई कितना है, ई कितना है बी नॉट वाई बाई टू, बी नॉट वाई बाई टू इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ पे हम साफ देखते हैं, कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा कितना आएगा अब हम देखते हैं बेटा। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा होगा एक्स बाई वाई, कॉस थीटा होगा दिस विल बी इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू डी। तो जैसे हर पॉइंट पे जाएंगे वाई तो अलग अलग है, तो ई की वैल्यू कितनी है बी नॉट वाई बाई टू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, थीटा अलग होगा, तो इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। बट कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, कॉस थीटा कितना आएगा एक्स बाई वाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये वाई वाई कट जाएगा, तो ई नॉट कॉस थीटा कितना आ जाएगा बी नॉट एक्स बाई टू इंटू डी एल। तो यहाँ पे देखते हैं ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा कितना आ जाएगा बी नॉट एक्स बाई टू। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये वाला कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट आएगा, तो वर्क जिसकी वजह से हो रहा है वो कॉन्स्टेंट आएगा, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में वो तो यूनिफॉर्म आएगा, वो कितना आएगा बी नॉट एक्स बाई टू। तो अगर किसी बात के अलावा फोर्स कॉन्स्टेंट है या फोर्स का कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट है, वर्क डन कितना आएगा इंटू लेंथ, तो बेटा यहाँ पे ई एम एफ कितनी आ जाएगी, ई एम एफ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, फोर्स का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वो तो कॉन्स्टेंट है, वो तो कॉन्स्टेंट है इंटू लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी नॉट एक्स बाई टू इंटू एल। तो यहाँ से भी आंसर उतना ही आएगा, यहाँ से भी आंसर उतना ही आएगा। तो कोई बोलते हैं वो मेथड ठीक है, नहीं, इस मेथड में इंटीग्रेशन करोगे तो बेकार है, अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ईजी है, कोई भी मेथड हो अगर ऑब्जर्वेशन से करोगे इट्स ऑलवेज बेटर। तो दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं ये पूरी रॉड थी, तो जैसे ही ये अलग अलग पॉइंट्स वाई अलग अलग आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, और ये रेडियस फैक्टर है, इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर आएगी रेडियस के, तो यहाँ पे ये एंगल बढ़ जाएगा, ये एंगल अल्फा रहेगा, तो यहाँ पे भी ये अल्फा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक जैसे आ रही है, इलेक्ट्रिक ऐसे रोटेट कर रही है, तो सर्कुलर लाइन्स फोर्स की पिक्चर से देख सकते हैं, हम सर्कुलर लाइन्स फोर्स की पिक्चर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा पीडी, इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा पीडी। तो बेटा यहाँ पे ये रॉड ऐसे है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक ऐसे है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक ऐसे है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक ऐसे है, बीच में इलेक्ट्रिक ऐसे करके रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है, क्योंकि रॉड है सर्किल कंप्लीट नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये माइनस ये पॉजिटिव आएगा और ये माइनस ये नेगेटिव आएगा, तो रॉड पे पीडी भी पूछ सकते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्टिव कॉम्पोनेंट बेटा ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे कैंसिल कर जाएगा, तो ये वाले कॉम्पोनेंट अलॉन्ग तो सेमी डायरेक्शन में आएंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्टिवली ऐसे है, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, इसमें ईएमएफ भी पूछते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछते हैं। और कोई बोल देगा ये सर्किट का पार्ट है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो पीडी निकालो, तो पीडी कितना आएगा, ईएमएफ प्लस माइनस आईआर रॉड की डिस्टेंस दे देंगे, तो रॉड की डिस्टेंस दे देंगे। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा अब मैग्नेटिक टाइम्स सर वेरी कर रही है, टू लूप सर्किट्स देखते हैं, और देखते हैं टू लूप सर्किट किस किस तरह के बनते हैं। कुछ टू लूप सर्किट देखने के टू लूप होते हैं बट एक्चुअली में सिंगल लूप होते हैं, बट एक्चुअली में वो सब सिंगल लूप होते हैं।
बेटा दो क्वेश्चंस, दो या तीन क्वेश्चंस का टाइम बचा है, उनको लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वायर फ्रेम ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैंडर इज बेंट, इज बेंट टू फॉर्म टू लूप्स, लूप्स as shown, two loops as shown, there is uniform magnetic field B is equal to B naught T perpendicular to plane of page, perpendicular to plane of page। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक वायर फ्रेम था, हमारे पास एक वायर फ्रेम है, उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लैम्डा है। अब मैंने उसको ऐसे बेंड किया है, उसको ऐसे करके बेंड किया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे करके मैं दो स्केल्स बना रहा हूँ, ऐसे करके दो स्केल्स बना रहा हूँ बेटा, वायर फ्रेम एक ही है। अब इसको कैसे कर रहा हूँ, अगर इस तरह से शुरू करूँ तो ये एक लूप होगी, ये एक लूप होगी। तो मैं इसको ऐसे करने के बजाय, इसको ऐसे करने के बजाय मैंने पहले तार ऐसे ली, ऐसे ली, ऐसे ली, ये तार ऊपर से ले गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तार क्या है, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, इसे बोलते हैं बाईपास, इसे बोलते हैं बाईपास। तो ये वायर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ये ऊपर से जा रही है, इसका मतलब ये ऊपर से है। तो इफेक्टिवली ये सिंगल लूप सर्किट ही है। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऊपर से जाएगा, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं कर रहा है, दिस नॉट ए जंक्शन, दिस इज बाईपास। तो ये स्क्वायर साइड है ए बेटा, ये साइड है ए और ये साइड है बी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू B नॉट T, यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, तो हर पॉइंट पे अंदर की तरफ है, और मैग्नीट्यूड B नॉट T, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड B नॉट T। तो इलेक्ट्रिकली ये सिंगल लूप सर्किट है, इलेक्ट्रिकली ये सिंगल लूप सर्किट है, क्योंकि एक ही सर्किट है। तो इस पाथ का रेजिस्टेंस A टू लैम्डा आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक ऐसे है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स को ये एक लूप दिखाई देगी, ये एक लूप दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस लूप में जो इमेज जनरेट होगी, इस लूप के फ्लक्स को अपोज करेगी, इस लूप में इमेज जो जनरेट होगी इसके फ्लक्स को अपोज करेगी। तो मैग्नेटिकली ये टू लूप सर्किट है, इलेक्ट्रिकली ये सिंगल लूप सर्किट है। तो इसमें जो इमेज आएगी, अगर इस तरह से आती तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक ऐसे आती, तो बढ़ती मैग्नेटिक को बढ़ाती, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लूप इमेज आएगी इस तरह से, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, फील्ड कैसे है, अगर लूप इमेज ऐसे आती बढ़ती फील्ड को बढ़ाएगी, तो यहाँ पे लूप इमेज कैसे आएगी ऐसे। तो ये लेते हैं E2। अब देखते हैं ये लूप इमेज इस पाथ में करंट ऐसे लेके जाती, ये लूप ईएमएफ बेटा, ये लूप ईएमएफ इस पाथ में करंट को ऐसे लेके जाएगी, ये वाली लूप ईएमएफ इस पाथ में करंट को ऐसे लेके जाएगी। तो ये लूप ईएमएफ इसमें करंट ऐसे फ्लो कराएगी, और ये करंट यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये लूप ईएमएफ यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कराएगी, अपोज करेगी। तो दोनों के ईएमएफ अपोज करेंगे, सिंगल लूप ये, सिंगल लूप ये। तो इसमें ईएमएफ दोनों में देख लेते हैं, ईवन कितना आएगा, डिपेंडेंसी ऑफ लूप फ्लक्स इन फर्स्ट लूप का मैग्नीट्यूड। तो बेटा डिवाइडिटी टी हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, बी नॉट इंटू ए स्केयर। ई टू में ईएमएफ कितना आ जाएगा, डिवाइडिटी ऑफ फाई टू, इसका मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, बी नॉट इंटू बी स्केयर। तो यहाँ पे मान लेते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, जो दिख रहा है, जो दिखते हुए ड्रॉ किया हुआ है, बी नॉट इज ग्रेटर देन ए। तो इसका ईएमएफ डोमिनेट है, तो यहाँ पे ए सिंगल लूप सर्किट है, E2 और E1 अपोज करेंगे, E2 और E1 अपोज करेंगे, तो लूप करंट आ जाएगा, लूप ईएमएफ, लूप ईएमएफ कितना आएगा यहाँ पे E2 माइनस E1। तो इफेक्टिवली करंट कैसे फ्लो करेगा, इसका ईएमएफ ज़्यादा है, तो इफेक्टिवली करंट कैसे फ्लो करेगा, इफेक्टिवली करंट कैसे फ्लो करेगा ऐसे करेंगे। तो E2 ज़्यादा आएगा, E1 कम आएगा, तो E2 माइनस E1 बाई लूप रेजिस्टेंस, E2 माइनस E1 बाई लूप रेजिस्टेंस। चार लेंथ ए और चार बी, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, फोर ए प्लस बी, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, फोर ए प्लस बी इंटू लैम्डा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी नॉट बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, लूप ईएमएफ बी स्केयर माइनस ए स्केयर बाय फोर ए प्लस बी इंटू लैम्डा।
ए प्लस बी कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, बी नॉट इंटू बी माइनस ए बाई फोर लैम्डा, लूपी में कितना आ जाएगा। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, दो क्वेश्चंस का टाइम बचा है, दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। मैं इसी लेक्चर को अपलोड कर देता हूँ, मैं दोनों कर दूंगा, एक क्लासरूम लिख दूंगा, एक रिकॉर्डेड लिख दूंगा। तो बेटा अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कल मैं फिफ्थ लेक्चर के नीचे मैंने लिंक के नीचे होमवर्क लिखा हुआ है, प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, लिंक के नीचे होमवर्क कॉस्ट। तो मैं रिवीजन लेक्चर के लिए ना बेटा अपलोडिंग इसमें है, आप इस साइट में देख लेना बेटा, यूट्यूब का वो हो गया है, अपलोडिंग देख लेना इसमें youtube.com/c फिजिक्स OVH, फिजिक्स OVH। बेटा इस चैनल पे ईमेल के लेक्चर्स हैं, youtube.com/c फिजिक्स OVH, बहुत इजी है नाम याद करना, EVC और फिजिक्स के बाद OVH, इसमें जाके देख लेना बेटा। वो मैं शायद कल नांदेड़ आ रहा हूँ तो ऑफिस में बैठूँगा, तो जो भी एक्स्ट्रा रिवीजन वगैरह करने हैं तो वहीं पे बैठ के ऑफिस में करेंगे। अब क्लासेस कब स्टार्ट होंगी मुझे पता नहीं है, तो मैं खड़े होकर नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे बैठ के मैं कर लूँगा। तो मुझे परसों फ़ोन कर लेना, और जिस जिसको भी वहाँ पे डाउट्स रिवीजन जो भी करना है मैं ऑफिस में बैठा मिलूंगा, या हम उसको डिसाइड करके देखेंगे, ठीक है ना बेटा। वो पिछली बार क्लास जल्दी लेने के चक्कर में गड़बड़ होगी, अभी मुझे ना अगर अभी एक्स्ट्रा क्लास ले ली तो शायद मैं क्लास लेने लायक बचूंगा नहीं। बेटा मैं इसको हटा ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे हटा ले रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर्स इज इक्वल टू लैम्डा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज B is equal to B naught T perpendicular to plane of loop. Find current in each branch. तो बेटा मैं एक क्लूप सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये लेंथ लेता हूँ A, ये लेंथ लेता हूँ B, और ये लेंथ लेता हूँ C. ये लेंथ लेता हूँ ए, ये लेता हूँ बी, और ये लेता हूँ सी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी। तो ब्रांच करंट्स निकालने हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिन्होंने भी पांच लेक्चर देख रखे हैं, जब भी रॉड मूव करती है वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसको बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिक हर जगह जनरेट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्कुलर रीजन में दिया है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर नहीं है, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स सर्कुलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकता। तो इलेक्ट्रिक तो हर जगह जनरेट होगी, तो ये एक सेक्शन ऑफ ईएमएफ होगा, ये एक सेक्शन ऑफ ईएमएफ होगा, ये एक सेक्शन ऑफ ईएमएफ होगा। तो उसी पर्टिकुलर केस में मैं इलेक्ट्रिक निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक निकाली इसलिए थी। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक नहीं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक नहीं निकाल सकता हूँ। तो इस सेक्शन, ये भी पूरा सेक्शन ऑफ ईएमएफ है, ये भी सेक्शन ऑफ ईएमएफ है, ये भी सेक्शन ऑफ ईएमएफ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकाल ही नहीं सकता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक सिर्फ सर्कुलर रीजन में कुछ रखा हो तो निकाल सकता हूँ, बाकी नहीं निकाल सकता। निकालने के लिए हाई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो मुझे करना आता है, मैं उसको बाद में बताऊंगा कभी टाइम मिलने पे, क्योंकि आईटी में उसकी जरूरत नहीं है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस रहते हैं।
तो बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट, तो इसमें लोग क्या करते हैं, एक ईएमएफ को बैटरी बना के डालते हैं, वो मेथड सिर्फ टू लूप सर्किट में वर्क करता है, थ्री और फोर में वर्क नहीं करता है। वो मेथड टू और थ्री में वर्क करता है, टू लूप तक वर्क करता है, टू के आगे वर्क नहीं करता है। मोशन ऑफ कंडक्टर्स में हमेशा वर्क करता है। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उस सारी लूप की ईएमएफ को कहाँ पे डालना है, लोग एक बैटरी बना के डाल देते हैं, वो सिर्फ टू लूप तक वर्क करता है, उसके आगे नहीं करता है। तो मैंने आपको मैक्सवेल लूप लॉ बताया था कर्चॉफ लॉ में, वो इसलिए बताया था इस तरह के सर्किट के लिए, इस तरह का टू लूप आए, फोर लूप आए, मल्टी लूप आए, एक ही तरीका करने का वो लूप लॉ, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई भी उस तरीके को यूज़ नहीं करता है, तो टू थ्री लूप सर्किट किसी से सॉल्व नहीं होते। मल्टी लूप कितना भी सर्किट आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करना है, लूप लॉ लगाना है। तो इस लूप में लूप ईएमएफ कैसे आएगी, इवन इस लूप में लूप ईएमएफ कैसे आएगी, इवन इस लूप में लूप ईएमएफ कैसे आएगी, ठीक। तो मैं इसी सर्किट को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि लूप ईएमएफ ऐसे होती, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती, बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, नहीं इसकी लूप ईएमएफ ऐसे आएगी, इसके ऐसे आएगी। तो हमने लूप लॉ लगाना है। मैंने हैबिचुअली लूप करंट्स मैं ऐसे ही लेता हूँ, मैं लूप करंट्स ऐसे ही लेता हूँ, एक ही हैबिट डाली है, क्लॉकवाइज। तो लूप लॉ लगाते हैं, लूप लॉ टू फर्स्ट लूप, जिसको डाउट हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लूप लॉ टू फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप पे लूप लॉ लगा रहे हैं, तो आई वन का क्वेश्चन क्या आएगा, आई वन का क्वेश्चन आएगा इसका लूप रेजिस्टेंस, ये ए ये सी, तो 2a plus 2c lambda, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2a plus c lambda into I1। तो लूप लॉ इस पे लग रहा है, इस लूप करके क्वेश्चन क्या आएगा, जिसमें लूप लॉ लग रहा है और जिस लूप का करंट है, दोनों के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस कितना आएगा, c lambda minus c lambda into I2 will be equal to लूप ईएमएफ। तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, इस तरह के लूप ईएमएफ को नेगेटिव में डालेंगे, इस तरह के लूप ईएमएफ को नेगेटिव में डालेंगे। अब लगाते हैं सेकेंड लूप, सेकेंड लूप पे लगाते हैं, सेकेंड लूप पे लूप लगा रहे हैं, तो इस करंट का क्वेश्चन कितना आएगा, इसमें और जिसमें लूप लग रहा है कॉमन डिस्टेंस कितना है, सी लैम्डा, तो कितना आएगा, माइनस सी लैम्डा आई वन, इस पर लूप लग रहा है, तो इसका पूरे का डिस्टेंस कितना आएगा, टू सी प्लस टू बी, टू बी प्लस सी इंटू लैम्डा आई टू विल बी इक्वल टू माइनस ई टू, क्योंकि ई एम एफ इस डायरेक्शन में, ई एम एफ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम ब्रांच करंट्स निकाल लेंगे, यहाँ पे हम ब्रांच करंट्स निकाल लेंगे, यहाँ पे ब्रांच करंट्स निकाल लेंगे, तो हर सेक्शन में करंट आ जाएगा। अब इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, इस बैटरी को यहाँ पे डाल देते हैं, इस बैटरी को यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसा टू लूप सर्किट में काम सही हो जाता है। बट बेटा यहाँ पे भी तो ईएमएफ है, ये दोनों में आएगा, तो इस लूप की ईएमएफ सिर्फ इसी लूप में डालते हैं, इस लूप की ईएमएफ सिर्फ इसी लूप में डालते हैं, बट ईएमएफ तो कॉमन सेक्शन की भी है। तो अगर ये थ्री लूप सर्किट बना रहे हैं, वो मेथड फेल हो जाता है, उस मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो वो मेथड बहुत गंदा है, उसको एकदम यूज़ नहीं करना है। ये लूप लॉ जो कराए थे मैंने, सिर्फ इसी काम के लिए कराए थे, नहीं तो ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। मैं एक थ्री लूप का भी सर्किट लेता हूँ, मैं एक थ्री लूप का भी सर्किट लेता हूँ, तो बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट टी एज शोन, एज शोन फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, सारे ब्रांच में करंट निकाल लीजिए, सारे ब्रांच में करंट निकाल लीजिए। तो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन ये पे करते हैं, हाँ बेटा गलती से हो रहा होगा, मैंने स्ट्रीम मारा तो था उस पे, बेटा मैंने चेक करने के लिए मारा तो हुआ है। सुधांशु मैं कल स्टार्ट करूंगा, रात को कल शाम को स्टार्ट करूंगा, बेटा मेरे ख्याल से हो रहा होगा, क्योंकि मैंने चेक करने के लिए YouTube पे मारा हुआ है लाइव स्ट्रीम, पता नहीं बंद हो गया होगा या चल रहा होगा, मुझे नहीं पता है। बेटा एक थ्री लूप सर्किट लेते हैं, एक थ्री लूप सर्किट लेते हैं, ये साइड ए, ये साइड ए, ये टू ए, और इसको दिखाने लायक बेटा कर देते हैं थ्री ए,
और यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ली हुई है, बी इज इक्वल टू बी नॉट टी। तो लूप ईएमएफ जैसे भी आता है उसको मार्क कीजिएगा। तो इसमें लूप ईएमएफ ऐसे आएगा, इसमें लूप ईएमएफ आएगा ऐसे, इसमें लूप ईएमएफ आएगा ऐसे, इसमें लूप ईएमएफ आएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ऐसे बढ़ रही है तो लूप ईएमएफ अंदर की फील्ड को कम करेगा। तो ईएमएफ इवन लिख लेते हैं, ये कितना आएगा बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। अब इसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ई टू कितना आएगा, ई टू आएगा टू बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। ई थ्री कितना आएगा, थ्री बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो बेटा करंट्स तो आप सब लूप में क्लॉकवाइज ही मार्क कीजिए हर बार, सब लूप में क्लॉकवाइज ही मार्क कीजिए हर बार। अब फर्स्ट पे लूप लॉ लगाते हैं, तो आई वन का कोशेंट फोर ए लैम्डा इंटू आई वन, आई टू का कोशेंट इसके उसके बीच में कॉमन डिस्टेंस ए लैम्डा माइनस ए लैम्डा इंटू आई टू प्लस जीरो इज इक्वल टू ई वन, क्योंकि ई एफ करंट की डायरेक्शन में। सेकेंड लूप पे लगाते हैं, तो इसके लूप का करंट का कोशेंट इसके उसके बीच में कॉमन डिस्टेंस ए लैम्डा माइनस ए लैम्डा आई वन प्लस फोर प्लस फोर टू सिक्स, सिक्स ए लैम्डा आई टू इसके स्केच में कॉमन रेजिस्टेंस ए लैम्डा प्लस ए लैम्डा आई थ्री विल बी इक्वल टू ई टू। लास्ट पे लगाते हैं, इसके इसमें कोई कॉमन रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो आई वन इसके इसके बीच में माइनस ए लैम्डा आई टू प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, एट ए लैम्डा आई थ्री विल बी इक्वल टू ई थ्री। ई थ्री को लिए करंट डायरेक्शन में, ये तीन बन गए, तीन बन गए। हाँ बेटा यूट्यूब पे मैंने स्ट्रीम मारा हुआ है टेस्ट करने के लिए,